बिटकॉइन खरीदी के नाम पर ठगी करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए जेल। नवागढ़ पुलिस की कार्रवाई। नवागढ़ पुलिस ने बिटकॉइन खरीदी के नाम पर ठगी करने वाले 6 आरोपी को पकड़ा है और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दरअसल कुटरा निवासी मनोज कुमार उल्हे ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि बिटकॉइन खरीदी के नाम पर 3 साल के भीतर 6 लाख रुपये में 6 से 7 करोड़ रुपये मिलने का लालच देकर 10,000 रुपये और मोबाइल नंबर से UPC कोड निकालकर ठगी करने की शिकायत की थी। इससे पहले आरोपियों के द्वारा पैसा वापस करने के बहाने राछा भाठा स्थित एक जूता दुकान में बुलाकर मनोज कुमार उल्हे एवं उनकी पत्नी से गाली गलौज एवं मारपीट की गई। पुलिस ने मनोज कुमार उल्हे की रिपोर्ट पर IPC की धारा 420, 147, 294, 506, 323, 34, 120 बी के तहत जुर्म दर्ज किया था। विवेचना और मेमोरेंडम के दौरान पोड़ी गांव निवासी श्रीकांत आसीकर, चंद्रकांत आसीकर, रंजित माथुर, गणपत साहू, पुरुषोत्तम दास वैष्णव, लालचंद साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा 10,000 रुपये की ठगी करने की बात सामने आई। मामले में पुलिस ने 6 आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आपको यह बता दें, बिटकॉइन एक तरह का डिजिटल बिटकॉइन करेंसी होता है जिसका लाखों में वैल्यू होता है। फिलहाल जिले में इस तरह का यह पहला मामला है जिससे पुलिस की कार्रवाई सुर्खियों में है।